सी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द सेंसी गर्ल गीत। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, आराम से हूँ, और आप लोग भी सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो किस पर है तो आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि होम डेकोर के ऊपर है। जो जो लोग होम डेकोर की चीज़ें लेना चाहते हैं छोटी मोटी, उनके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना साथ में, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, नहीं तो मेन नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले नहीं पहुंचेगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले मैं ज़्यादा बकबक करूं। तो बात करते हैं डेकोर आइटम्स लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए, आपके गार्डनिंग के लिए, प्लांटर के लिए। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं मंगवाया, थोड़ा बहुत मंगवाया, बट उससे ही आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। काफ़ी चीप प्राइजेस में है, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, बाहर भी नहीं जाना पड़ा, घर पर भी आराम से चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने मंगाया है मीशो पे। मीशो आपको पता है एक वेबसाइट है, जो रीसेलिंग वेबसाइट भी है। क्लोथिंग आइटम और डेकोर आइटम, आपको किचन के आइटम्स, और आपको बेडशीट्स वगैरह और क्रॉकरी आइटम, जितने भी सारी चीज़ें होती है घर में इस्तेमाल करने वाली, वो सारी आपको मीशो पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। तो फर्स्ट जो है हॉल में बड़े क्यूट क्यूट से लैंटर्न है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे येलो इन कलर का, येलो तो नहीं कह सकते इसको, मस्टर्ड है, और ये पाउडर ब्लू कलर का यहाँ पे ये प्यारा सा लैंटर्न है। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं आपके घर में। आप कहीं पर भी आप इसको अच्छे से एडजस्ट करिए, आप उसको टांग भी सकते हैं इस तरीके से आप साथ में भी, या फिर आपके पास कोई डेकोर शेल्फ हो, साइड कॉर्नर शेल्फ हो, तो वहां पर भी आप इसको रख सकते हैं। इसके अंदर ही लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है इसके अंदर पूरा, और इसके अंदर एक टी लाइट कैंडल भी दे रखी है, जो कि बहुत इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। और सेकंड इसमें भी सेम ऐसा ही है, बहुत अच्छे से पैक होके आया था, टूटा भी नहीं है कहीं से। इसमें कांच है, ऐसा नहीं कि इसमें कांच नहीं, इसमें कांच है, और अंदर इसके टी लाइट होल्डर दे रखा है, और इस तरीके से आप बंद करके इसको ऐसे रख सकते हो। आप टांगना चाहो तो इसको टांग भी सकते हो। तो बहुत ही क्यूट लगते हैं ये। और ये कितने रुपीज़ के थे, जैसे कि आपको सबको पता ही है, मेरी वीडियो देखते हो तो मुझे प्राइजेस याद नहीं रहते थे, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो ये कुछ 180 और 182 समथिंग के थे, तो बहुत ही बेस्ट डील लगी मुझे ये। तो सेकंड थिंग जो मेरे पे यहाँ पे है, ये कॉर्नर सेल्फ है, जिसे कॉर्नर सेल्फ होती है, वुडन की है, तो आप इसे गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी है। तो इस टाइप की ये कॉर्नर शेल्फ है मेरे पे, इस तरीके से लगाई जाती है ऐसे। आप यहाँ पे इसको कील लगा के टांग सकते हो, इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हो, बट एक्चुअली मैंने अपने घर में इसको ऐसे टांगा हुआ है, क्योंकि मुझे ये ऐसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैंने इसको ऐसे टांगा, बट मुझे नहीं पता था कि इसका यूज़ ऐसे होता है, बट मुझे ऐसे अच्छी लगी तो मैंने ऐसे टांगी। बट आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पर ये एक ही नहीं है, ये 3 का पेयर है। तो ये 3S की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। इसमें से मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरी वुडन की बनी हुई है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, गंदा हो रहा है बहुत, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये सारा लोहे का काम करा हुआ है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आए थे, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, सस्ते। आप क्या कर सकते हैं ना, इस पर ऐसे टांग के इधर कुछ रख सकते हैं, एक प्लांटर रख सकते हैं, एक टी लाइट कैंडल रख सकते हैं सुंदर सी, या एक लैम्प रख सकते हैं, छोटू सा लैंटर्न रख सकते हैं छोटू सा, या फिर कुछ भी डेकोर आइटम आप इस पर रख सकते हैं। तो ये मुझे तीनों पड़े थे 300 समथिंग कुछ के, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी आपको कितने के पड़े हैं। बट ऐसा हो रहा है ना आजकल कि जैसे ये मैंने ले लिया, फिर उसके बाद प्राइसेस बढ़ते जा रहे, क्योंकि मैंने एक दो महीने पहले लिया, तो अब शायद ये 400 या 500 का हो चुका है, तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा वो चीज़। थर्ड आइटम जो मुझ पे है वो बहुत ही सुंदर है, तो लॉर्ड बुद्धा, तो मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं बुद्धा पीसेस। मैंने एक बैकग्राउंड में भी रख रखा है, जो कि मैं बंजारा मार्केट से लेके आई हूँ। आपने बंजारा मार्केट हॉल नहीं, मेरा नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये बहुत ही प्यारे से सुंदर से बुद्धा जी यहाँ पर मेरे पास है, ब्लू इन कलर में, गंदा हो रहा है यार, क्योंकि मैंने टॉप पे रखा हुए थे ये। तो ये गोल्डन कलर का इनका सिर है, यहाँ पे इनके कपड़े हैं, और ये ब्यूटीफुल सी इसकी डिटेलिंग दे रखी है, और ये पीछे से कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और सामने से इतने सुंदर। तो काफ़ी हैवी पीस है, बड़ा पीस है, अच्छा पीस है। आप इसको एज अ डेकोर आइटम रख सकते हो, अपने लिविंग रूम में रख सकते हो, आप अपने टीवी शेल्फ के ऊपर, या फिर कॉर्नर शेल्फ के ऊपर, कोई भी आपने एक प्लेस बनाया हो जिस जहाँ पर आप डेकोर आइटम रखते हो, वहाँ आप इसको रख सकते हो। तो ये जब मैंने मंगवाया था तो ये कुछ 230 रुपीज़ का था, तो अभी भी इसका प्राइस इतना ही है शायद,
बहुत ही ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट जो मेरे पे आइटम है वो मेकअप से रिलेटेड है, मेकअप नहीं है बट मेकअप ऑर्गेनाइजर मैंने मंगाया है। मेकअप ऑर्गेनाइजर भी आप यूज कर सकते हो इसको और किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो बहुत ही मुझे प्रिटी लगा। यहाँ पर मैं अपनी लाइनर्स और लिप लाइनर्स और फेस मसाजर और कॉटन वगैरह डाल के रख देती हूँ। यहाँ पर इस साइड आप ब्रशेस रख सकते हैं, इस साइड में अपने फाउंडेशंस रख देती हूँ, यहाँ पे मैं छोटी मोटी लिपस्टिक रख देती हूँ अपनी, और इसके अंदर ये देखिए इतना कितना स्पेस है, इसके अंदर एक ऐसे बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर मैं रबर बैंड रख सकती हूँ। तो ये बहुत ही सही लगता है वार्डरोब में आपके। ये मैंने कुछ मंगाया था 160 रुपीज में, अभी भी इसका प्राइस इतना ही है। ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो गया हो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बड़े बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही प्यारा लगा मुझे। इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक मटेरियल, बहुत ज़्यादा स्टडी है, बिल्कुल भी ऐसे ठटकने पिचकने वाला नहीं है, इसके अंदर बहुत स्पेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल आइटम ये है। तो ये जस्ट मुझे 160, 170 या 120 समथिंग पड़ा होगा, तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा सब कुछ। तो गाइस नेक्स्ट थिंग जो है वो काफ़ी थोड़ी सी हैवी है, तो दो चीज़ें हैं अब लास्ट मेरे पास। तो एक तो मैंने वॉल पे लगा चुकी हूँ पहले ही, तो वो आपको मैं दिखा नहीं सकती, तो वो वॉल पे लगा कर ही मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके जैसी एक और चीज़ है मेरे पास, तो ये है वॉल शेल्फ, वॉल साइड कॉर्नर। आपको लग रहा होगा ये कैसे शेल्फ है, तो ये बोर्ड है, बहुत भारी बोर्ड है वुडन के। तो ये ऐसे इस तरीके से आते हैं, इसके साथ ना ऐसे पेज भी मिलते हैं इसमें पैकेट में, जिससे आप इसको जॉइंट करके अपने साइड पे टांग सकते हैं। तो ये किस तरीके के दिखता है यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। लिविंग रूम के कॉर्नर में लगा सकते हैं, अपने बेडरूम के कॉर्नर में लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, बट लिविंग रूम में बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हैवी बोर्ड है। मैंने 383 रुपीज का मंगवाया था, अभी भी इतने का ही है, आप आराम से उसको बाय कर सकते हैं, बहुत ही सही है। बाहर जाके लोगे आप मार्केट से, आपको 1500 से कम नहीं मिलने वाला, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट जो अब मैं दिखाने जा रही हूँ, लास्ट चीज़ है मेरे पास, वो इसी तरीके की येलो इन कलर में है। तो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, ये 5 कॉर्नर की है येलो इन कलर में। तो येलो और मस्टर्ड थोड़ा सा टच आ रहा है इसमें मस्टर्ड का, और बहुत ही अच्छी ये ग्लॉसी में है बिल्कुल, और इस पर अच्छे अच्छे आप डेकोर आइटम सजाएं तो बहुत प्यारी लगती है। मैंने अपने इसे लिविंग रूम में लगा रखा है, और ये कुछ मैंने ऐसे बाई करी थी, आई थिंक 450 रुपीज़ में या 420 रुपीज़ में, तो काफ़ी अमेजिंग डील मिल गई थी मुझको इसकी। तो गाइस लास्ट आइटम है, मैं बताना ही भूल गई थी कि मेरे पास ये भी है। मैंने कैमरा बंद कर दिया था, फिर मुझे ध्यान आया अरे पीछे रखा हुआ है, फिर मैं भी आपको ये दिखाती हूँ। मैंने इतना प्यारा सा ये लैंटर्न लिया, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, और इसमें मैं कैंडल भी जला रखी है, तो ये इतना प्यारा सा लगता है ना। तो ये कुछ मैंने 120 रुपीज़ 150 रुपीज़ समथिंग लिया था, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें जो प्रिंट हो रखा है वो बहुत ही खूबसूरत हो रखा है, लाइक आप देख सकते हैं इस तरीके से, और ये पूरा रोशन हो जाता है, आप लाइट बंद करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं लाइट बंद, सो होप सो गाइस आपको आज की वीडियो मेरी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।